अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कर लो और इसको ही सिंपल कर लो, प्रॉब्लम को ही क्या कर लो, सिंपल कर लो, नहीं तो फिर आप चेन रूल कर लो। जैसे एक चीज हमें पता होती है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज व्हाट, थीटा। अगर ये तरीका हमें यूज करना है तो बहुत बार हमारे सम्स ही आसान हो जाएंगे। मैं गिवन प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 3x कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x, याद है आपको 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, मतलब बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस 3x। फिर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, dy बाई dx, इसकी तो कॉन्स्टेंट है, मतलब d बाई dx ऑफ व्हाट, पाई बाई 2 माइनस 3x, फिर डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 बिकम 0 और माइनस 3x का बचेगा माइनस 3, सो व्हाट इज आंसर, dy बाई dx इज माइनस 3। अगर हम ऐसा नहीं करते तो चेन रूल भी कर सकते थे, कैसा, व्हाट इज, हमें पता है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव डी बाय dx क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है। थोड़ी देर के लिए हम इसे x मानेंगे मन में, ओके, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, मतलब व्हाट, dy बाय dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos square 3x, agreed? लिखते वक्त x नहीं लिखना है, जो है वो लिखना है, into what? d by dx of cos of 3x, so it is 1 upon under root of 1 माइनस cos square 3x, cos 3x का derivative क्या आएगा? थोड़ी देर के लिए फिर से चेक करो, इसको x मानो, cos x का derivative क्या होता है? Minus sin x, so minus sin 3x, फिर इसका डेरिवेटिव इनटू 3, समझ रहे आपको, चेन रूल लग रहा है, तो फिर ये आ गया माइनस साइन 3x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये फाइनली साइन 3x आ जाएगा नीचे, फिर और ये 3, ये कट हो गया, आंसर क्या आ गया, माइनस 3। देखो इससे करो तो थोड़ा टफ गया, फॉर्मूला आप पता हो तो आसान गया, समझ आ रहा है। इसमें भी वो दो ऑप्शन है, तो चेन रूल वाला, नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा, सो दिस विल वेरी सिंपल, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया सिंपल, फिर डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया, इसका जीरो आ जाएगा कॉन्स्टेंट और इसका माइनस 2x, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका चेन रूल, आप दूसरे तरीके से भी ट्राई करो, चेन रूल में क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर x मानेंगे, फिर कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव साइन का, फिर इसका, ऐसा करते करते आपको यही आंसर, दोनों ऑप्शन ट्राई करो, पहला ये फिर दूसरा आप ट्राई करो, समझो, पहले ये जो दिया है इसको थोड़ा कैसे कंसीडर, cos x plus sin x upon cos x minus sin x, अगर मैं नीचे ऊपर cos x से डिवाइड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऐसे आएगा ना 1 plus tan x on 1 minus 10, क्या मतलब, क्या क्या हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया, तो cos x cos x 1 हो गया और tan x upon cos x tan x, मैं इसको कैसे 1 मतलब tan of pi by 2 45 degree plus tan x upon 1 minus tan x can be written as tan of pi by 4 into tan x, चलेगा, ऐसे भी ये 1 है, ये किसका फॉर्मूला है, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, तो ये फॉर्मूला है tan of a plus b, मतलब tan of pi by 4 plus x, अब सॉल्व करना बहुत आसान, y is equal to tan inverse of tan of pi by 4 plus x, ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, फिर y क्या बच गया,
y by 4 plus x, फिर dy by dx आसानी हो गया, हमारा आंसर आ गया 1, ये 0 है, ये हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, कि ग्राफ को थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो तरीका एक्चुअली, इसको x मानेंगे, फिर tan inverse x का derivative 1 upon 1 plus x square, फिर into dy dx हो गया, chain rule से भी कर सकते हैं, anyway, दोनों दूसरा भी ट्राई कर लो, तो चेन रूल से बना इसको x मानी मन में लेकिन dy by dx tan inverse x रहता तो 1 upon 1 plus x square लेकिन लिखते वक्त जो है वही लिखने का मतलब what cos x plus sin x upon cos x minus sin x whole square into by dx of what? Cos x plus sin x upon cos x minus sin. ये एक नया problem शुरू हो गया. ये तो हो गया. Tan inverse का काम खत्म हो गया. इसको सोचना है. इधर u upon v rule लगा लें. So it is 1 upon 1 plus cos x plus sin x cos x minus sin x whole square u upon v rule कैसे? cos x minus sin x into देखो v into d by dx of x plus sin x minus cos x plus sin x as it is into d by dx of cos x minus sin x समझ गया ना upon what cos x minus sin x the whole square फिर ये अगर सिंपलीफाई वगैरह हो गया तो क्या आएगा ऊपर cos x minus sin x whole square आ जाएगा और इधर आ जाएगा cos x minus sin x square plus cos x plus sin x square समझ रहे हो आपको सिंपलीफाई किया है cross multiply और ये into ये जो भी टर्म है इसमें और ये और वो क्या आ जाएगा मतलब cos x minus sin x नीचे इधर भी है ये और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा फिर आपको इसको सिंपल करना है ये क्या आएगा cos x minus sin x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा cos x का डेरिवेटिव minus sin x और sin x का cos x तो जाएगा cos x minus sin x आ जाएगा फाइनली प्लस cos x plus sin x as it is फिर इधर क्या आएगा cos x का minus sin x और sin x का cos x तो minus sin बाहर समझ में आ रहा है माइनस साइन बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समझ रहा आप ये चीज देखो और ये चीज देखो सेम ही आ रही है ये ए माइनस बी है ना कॉस स्क्वायर माइनस है तो ये भी कट हो जाएगा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा वन सो दिस इज टैन इनवर्स वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 plus sin x upon cos x, ठीक है? अब 1 can be written as sin square x by 2 half angle plus sin x का half angle formula क्या है? 2 times sin x by 2 cos x by 2 समझ रही बात? Half angle और cos 2 थीटा का फार्मूला 2 हमें पता है cos square थीटा minus sin square थीटा तो हाफ एंगल भी है cos x का हाफ एंगल फार्मूला है cos square x by 2 minus sin square x by 2 तो फिर इसको आप सिंपल करो ये बन गया तुम्हारा sin of x by 2 plus cos of x by 2 the bracket square नीचे आ गया देखो नीचे अगर आप a plus b a minus b expansion use करो तो sine of x by 2 sorry cos of x by 2 minus sine of x by 2 into cos of x by 2 plus sine of x समझ में आया एक कट हो गया फिर tan inverse of sine of x by 2 plus cos of x by 2 upon या ये नीचे वैसा ही एक कट हो गया तो फिर cos of x by 2 माइनस साइन ऑफ एनीवे ये पहले उल्टा सीधा भी लिख सकते हैं मतलब व्हाट कॉस और इधर साइन
फिर आप पहले पिछले प्रॉब्लम जैसा ही cos of x by 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा which is tan inverse of 1 plus tan of x by 2 upon 1 minus tan of x by 2, सही है। फिर ये फाइनली क्या लिख सकते हैं, tan inverse of tan of pi by 4 plus x by 2, पिछले प्रॉब्लम में x था, इधर सिर्फ क्या है x by 2 है, तो फिर ये आ गया x pi by 4 plus x by 2 आ गया आपका y, ये बहुत इजी हो गया, dy by dx क्या आएगा, इसका 0 इसका half। डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट, इसे कैसे सिंपल कर सकते थे, वन अपॉन रूट टू कॉस एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, साइन ऑफ पाई बाय फोर भी लिख सकते, कॉस ऑफ पाई बाय फोर भी लिख सकते, तो इसको मैं साइन ऑफ पाई बाय फोर कॉस एक्स लिख लू प्लस इसको कॉस ऑफ पाई बाय फोर साइन एक्स लिख लू, चलेगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड बन गया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो साइन और साइन इनवर्स खा जाएंगे एक दूसरे, तो क्या बचेगा पाई बाय फोर प्लस एक्स, यह आ गया हुआ, अब डीवाई बाय डी एक्स क्या आएगा, इसका वो जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम जैसा ही इसको करेंगे थोड़ा खींचता के, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाय फाइव साइन एक्स, ठीक है, प्लस फोर बाय फाइव कॉस एक्स, ऐसा लिख लिया। मान लो 3 बाय 5 किसी किसी का कॉस एक ऐसा एंगल ए है, वी डोंट नो, जिसका कॉस ए क्या है 3 बाय 5 है और जिसका साइन ए क्या है 4 बाय 5, तो वो एंगल कौन है, मान लो उसका टैन ए निकाल लो तो साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब व्हाट 4 बाय 5 अपॉन 3 बाय 5, तो वो आ गया 4 बाय 3, तो वो ए कौन है मालूम है, जो tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3, तो एंगल मिल गया हमें ऐसा, तो हमारा काम हो गया आसान हो गया, हम y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे cos इनवर्स ऑफ, इसकी जगह क्या लिखेंगे cos a sin x प्लस sin a cos x, समझ गया, sin a cos थीटा प्लस cos a sin थीटा, मतलब y इज इक्वल टू cos inverse of sin of x plus a लिख दूँ, ठीक है ना, sin x cos a plus cos a या a plus x लिखो, एनी कोई भी चले a plus x, अब फिर भी हटा नहीं रहा है, हम ऐसा कर सकते फिर y is equal to cos inverse of sin theta can be written as cos of 90 minus theta, मतलब cos of पाई बाय टू माइनस ए प्लस एक्स, तो कॉस और कॉस इनवर्स आ जाएंगे तो वाई क्या बचेगा पाई बाय टू माइनस ए प्लस एक्स, फिर हम डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे, इसका जीरो कांस्टेंट है ये भी, इसका भी जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन, समझ रहा है, एक सेकंड इधर माइनस साइन आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा बाहर,